हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने इसमें पुरानी साड़ी और चुन्नी का यूज किया है। और देखिए, इसमें आप जो भी आपके पास बचे गोले हों उसको यूज करके आप बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैंने 14 फंदे डाले हैं। आप पेयर के हिसाब से जितना बड़ा बनाएंगे उतने फंदे आप इसमें ले लीजिए। तो देखिए, एक फंदा मैं ब्लैक बुनूंगी जो मैं इसका आउटलाइन रखूंगी। और देखिए, यहाँ से मैं ये रेड कलर लगा रही हूँ, ऑरेंज। ये देखिए ऐसे, ये देखिए फंदे डालने के बाद से ही मैंने कलर इसमें चेंज कर लिया है। और ये बहुत ही इजी है, इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए, इस तरीके से इसको बनाएंगे। और देखिए, एक फंदा मैं बिना बुने छोड़ूंगी और यहीं से वापस इसको पलट लूंगी। ये देखिए, इसको दोनों तरफ से ऐसे ही बुनना है, उल्टा उल्टा। ये देखिए, यहाँ तक बना लिया। इसको क्रॉस कराएंगे, ब्लैक को आगे लाएंगे। जो एक फंदा ब्लैक है उसको हम ब्लैक बुन देंगे ऐसे। आप देखिए, यहां से फिर से पलट लेंगे। और देखिए, इस फंदे को आप उतार लीजिए या फिर बुन लीजिए, दोनों तरफ से जैसे भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से उतार के एक तरफ से और इसको ऐसे कर देंगे। अब इस वाले धागे से यहां से बुनेंगे। आप देखिए, यहां पे एक फंदा फिर से छोड़ दूंगी और यहीं से पलट लूंगी इस तरीके से। अब देखिए, इस धागे को, कपड़े की पट्टी को इधर किया, इसको आगे लाए, इस फंदे को उल्टा बुना, इधर से बुनेंगे, उल्टे साइड से इसको उतारेंगे ऐसे। अब देखिए, यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे इधर इस धागे को और इस फंदे को उतार लेंगे और इससे बुनेंगे। आप देखिए, इसी तरीके से मैं यहाँ पे, इसी तरीके से देखिए, मैं इसमें यहाँ पे 6 फंदे छोड़ूंगी। 12 का बना रही हूँ तो मैं 6 छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे ही बुनना है इसको दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। तो मैं यहाँ पे इसके ऑरेंज के 6 फंदे छोड़ देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 6 फंदे छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, एक एक करके छोड़े हैं। देखिए, अब मैं यहाँ से देखिए ब्लैक कलर लगा लूंगी। और देखिए, ये फंदे जहाँ तक छूटे हैं वहाँ तक मैं इसे ब्लैक से बुनूंगी। ये देखिए, यहाँ तक मैंने पहले छोड़े थे, एक फंदा फिर से छोड़ दिया और वापस इसको यहीं से पलट लिया ऐसे। इसको उल्टा बना लिया मैंने। आप देखिए, यहां से मैं दूसरा कलर ऐड करूंगी। आप जो जितने भी कलर इसमें बना सकते हैं, जितने भी हों आपके पास, वो लगा लगा के इसको पूरे डोरमेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने उल्टे तरफ से एक फंदा ये ब्लैक बना लिया ऐसे, बॉर्डर वाला। उसके बाद मैं यहाँ से कलर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से। और देखिए, यहीं से वापस पलट लूंगी। ऐसे, और इसको क्रॉस करा देंगे, ब्लैक को आगे लाएंगे। एक फंदा ब्लैक बुन लिया। आप देखिए, इसी तरीके से ये फंदे भी मैं एक एक करके लास्ट एक फंदे तक छोड़ दूंगी। ये पांचों फंदे छोड़ देती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से इन फंदों को छोड़ दिया एक फंदे तक। आप देखिए, यहाँ से एक कली ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से मैं
फिर से ये ब्लैक कलर से बुनूंगी दो रो, एक इधर से उल्टी और एक उधर से उल्टी, ऐसे सारे फंदे बुन लूंगी मैं। ये देखिए सभी फंदे लास्ट तक मैंने बुन लिए और इसको यहाँ से उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने दो रो बना ली हैं। अब देखिए यहाँ से वापस में एक ये फंदा मैंने उतार लिया, उसके बाद यहाँ से एक फंदा ग्रीन बुनूंगी और यहीं से पलट लूंगी इसको ऐसे। ये देखिए और इसको इधर करेंगे और ऐसे ये वाला फंदा बना लेंगे, वापस पलट लेंगे इसको, इसको इधर कर लेंगे धागे को और इसको उतार लेंगे। अब देखिए एक फंदा जिस तरह से मैंने एक एक छोड़ा है उसी तरीके से मैं आगे से एक एक फंदा बढ़ाते जाऊंगी और इसको पलटते जाऊंगी ऐसे इधर कर देंगे, इसको आगे लाएंगे। आप देखिए यहाँ से ये यहाँ तक फंदे ले लेती हूँ मैं छः, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। आप देखिए यहाँ से ये ब्लैक लगाऊंगी मैं, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, यहाँ तक मैंने बना लिया। देखिए जहाँ तक ये है आप जितने भी यहाँ पे ये अंतर रखे हैं उसी तरीके से आप बनाएंगे। तो यहाँ से इसको आगे कर लूँगी मैं, ये देखिए ऐसे, और इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर दूँगी ऐसे। तो मैं बना लेती हूँ इसको, ये देखिए मैंने यहाँ तक ये रो बना ली। आप देखिए यहाँ से उल्टे तरफ से मैं ये वाला कलर ऑरेंज वाला ऐड कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से पहले मैं एक फंदा बॉर्डर वाला बना लूंगी, उसके बाद ऐसे करेंगे इसको यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। आप देखिए मैं एक फंदा आगे से लूंगी और वापस इसको यहीं से पलट लूंगी, ये देखिए ऐसे। आप देखिए इसी तरीके से मैं ये सभी फंदे यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक फंदे ले लिए हैं। आप देखिए यहाँ से मैं सभी फंदे ब्लैक से बना लूंगी। सारे फंदे इस इधर से उल्टी एक रो, एक उधर से उल्टी, दो रो बनाऊंगी मैं यहाँ पे ब्लैक से। ये देखिए ये देखिए यहाँ तक बना लिया। अब मैं यहाँ से इसको उल्टा बुन दूंगी। ये देखिए इस तरह से दो रो बना ली हैं मैंने। अब देखिए यहाँ से मैं इस वाले कलर को यहाँ पे लगाऊंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज लगाया तो ये वाला कलर यहाँ आ जाएगा और ये ऑरेंज वाला इस जगह पहुँच जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको चार कली हैं तो चार कली चार कलर से बना सकते हैं, मल्टी कलर भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक फंदा मैंने ये बुन लिया और यहाँ से देखिए ऐसे अब मैं ये वाला कलर लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा बिना बुने फिर से छोड़ दूंगी और यहीं से पलट लूंगी और यहाँ से उल्टी रो बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। और देखिए अब मैं इसी तरह से इसकी चारों कली बना के कंप्लीट करती हूँ, ये वाली और ये इसके सामने जो आएगी वो सेम बनाऊंगी, इधर वाली और इधर वाली सेम बनाऊंगी।